वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए और नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लॉकडाउन जैसे सख्त कदम उठाने के साथ ही वैक्सीनेशन का कार्य चलाया जा रहा है। एक ओर जहां सरकार धीरे धीरे वैक्सीनेशन के साथ साथ लॉकडाउन खोलने की ओर जुटी है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। कोविड से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन एवं वैक्सीनेशन के बाद लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। कुछ लोग तो मास्क पहने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोरोना वायरस से बचाव के लिए जारी सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग मास्क को बेढंग तरीके से पहनते नजर आ रहे हैं या पहन भी नहीं रहे हैं या फिर नाक के नीचे कान पर लटकाए हुए घूमते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लापरवाह लोगों के लिए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवा लिया है या वैक्सीनेशन का इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों से मेरी अपील है कि सरकार द्वारा जारी कोविड दिशा निर्देशों का पालन करें। ऐसा करने से आप अपने आप को बचाने के साथ दूसरों की भी जिंदगी बचा सकते हैं, अन्यथा हम संक्रमण रोकने में असफल होंगे। साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि सभी लोग मास्क पहनने रहें जब तक कि कोरोना वायरस वातावरण से चला ना जाए। सही ढंग से मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हैंड सैनिटाइज करते रहें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, सभी को मास्क सही ढंग से लगाना है, उसमें नाक ढकी रहनी चाहिए, भीड़ भाड़ में बिल्कुल ही ना जाएं, कोरोना बचाव के नियमों का पालन करें। जो लोगों ने वैक्सीन लगवा रखी है उनको भी इन्हीं चीज़ों का पालन करना है, क्योंकि वायरस अगर नाक आपकी खुली रहेगी और वायरस बाहर दिखाई है तो वो आपके नाक में जाएगा, तो नाक को हमें बंद करके रखना, जब तक एटमॉस्फेयर से वायरस नहीं निकल जाता है तब तक हमें अपने को भी बचाना है और लोगों को भी बचाना है। वायरस आप सांस लेंगे तो आपके अंदर जाएगा तो आपको थोड़ा बहुत तकलीफ ज़रूर होगी, इसलिए आपको कोविड के बचाव के नियमों का पालन करना है। वैक्सीन आप जरूर लगवाइए, दोनों डोज लगवाइए।